धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के ग्राम सागौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगातार दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करों के बाद अब अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा दो आरोपियों को 4 देसी कट्टे 5 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। दोनों आरोपी धार जिले के सिंघाना और रिगनौद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश की आशंका जताई जा रही। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर ये कट्टे पकड़े हैं कुछ, क्या मामला है? जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अवैध हथियारों के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एबी रोड में सिंघाना का नवनीत और रिंगनौद का दीपांशु अपने मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और किसी को ये कट्टा डिलीवरी करने जा रहे हैं। खंडवा के पास एबी रोड में जब इनको घेराबंदी कर सागौर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया और उनके साथियों ने उनकी स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा तो 4 देसी कट्टा जो पिस्टल नुमा है ये बरामद हुए और 5 राउंड बरामद हुए। ये निश्चित रूप से किसी उद्देश्य से ये बिक्री करने जा रहे थे जिनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।